करुणा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव, दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव, दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव, दया करके मुझको अपना से उसको तो क्षमा करना, जो भूल हुई मुझसे उसको उसको तो क्षमा करना, मुझ पे तो दया करना, वो तो क्षमा करना गुरुदेव, दया करके मुझको क्षमा करना गुरुदेव, करुणा के सागर तुम जन्मों का प्यासा मैं, करुणा के सागर तुम, जन्मों का प्यासा मैं, करुणा के सागर तुम जन्मों का प्यासा मैं, मैं भटक रहा जग में, मैं भटक रहा जग में, नहीं कोई किनारा है, भटक भटकन को मिटा करके मुझे अपना बना लेना, भटकन को मिटा करके मुझे अपना बना लेना गुरुदेव, दया करके मुझको
अपना लेना। यूं ही गाता गाता मैं प्राणों को त्यागूंगा, यूं ही गाता करुणा जो होगी तुम्हारी और कुछ और ना चाहूंगा, करुणा जो कुछ और ना चाहूंगा। कृष्ण प्रेम दे करके सब चाह मिटा देना, कृष्ण प्रेम दे करके सब चाह मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर शिव शादे गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद, thank you.
शुद्ध भक्तों के चरणों की रज भजन के अनुकूल है, इसका क्या अभिप्राय है? चरण रेणु वो है जिसमें चरणों की छाप छप गई हो, वो हृदय जिसमें मेरे परम आराध्य परमाचार्य गुरुदेव के चरण चिन्ह छप गए हैं, ऐसे हृदय जो है ऐसे हृदय वाले जो भक्त हैं उनका संग ही वास्तविकता में भजन के अनुकूल है। जिनके हृदय में परनिंदा निज स्तुति देह गेह के सुखों में लिप्त हैं, जिनके हृदय उनसे हमें बच के रहना है। शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति करम, भक्त सेवा प्रेम लति करम, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति करम, भक्त सेवा भक्त सेवा परम सिद्धि। हमें क्या चाहिए? हम भक्तों के पास जाके क्या चाहते हैं? ठाकुर जी की सेवा। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमें ठाकुर जी की सेवा नहीं, ठाकुर जी के जो निज जन श्री रूप सनातन उनके निज जन रूपानुग जन उनके निज जन सारस्वत गण उनके निज जन हमारे गुरुजन, इनकी सेवा परम सिद्धि है, इससे श्रेष्ठ कुछ प्राप्ति नहीं है। भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, माधवतीति भक्ति जननी यतने पालन करे, माधव तीति कृष्ण बसती बसती बोली, कृष्ण बसती परम आदर बारी, परम आदर बारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन गोरया मे
सब स्थान करल ब्राह्मण रंगे गौर आमर श्री सब स्थान हेरी बोयामी श्री सब स्थान हेरी बोयामी प्रणय भकत संगे प्रणय भकत संगे मृदंगा वाद्य सुनिते मान अवसरा सदायाचे मृदंगवाद्य मृदंगवाद्य सुनिते मान अवसर सदायाचे मृदंगवाद्य गौरवीत कीर्तन सुनी गौरवीत आनंद हृदय नाचे आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भकत चरण रेणु भजनयानु युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद युगल मूर्ति प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय सकल प्रपंच जय ये दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाए जिस दिन गृह भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं एक बाहर का घर है जहां हम रहते हैं एक ये शरीर घर है इस शरीर में जिस दिन कीर्तन होता है मतलब क्या जब शरीर के रोम रोम कीर्तन में रम जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं संसार में ये दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए चरण सीधो देखिया गंगा सुख ना सीमा पाए सुख ना सीमा पाए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषनी जानी तुलसी देखी
काशी देवी को जब देखता हूँ जुड़ाए मतलब ठंडक पड़ गई। हरि बोल। तुलसी देवी को जब देखता हूं तो शांति मिल जाती है, क्योंकि माधव तोषनी जाने, माधव को प्रसन्न करने वाली ये जानकर गौरहरी को जो सूखा साग ऐसे ही जो मिल गया उसका साग बना दिया, उसको पा करके तुलसी को लेकर के अपना जीवन सार्थक समझता हूं। इससे पहले की पंक्ति में लिखा है चरण सिद्धु, लोग सिंधु कहते हैं, जो गंगा जी का उद्गम स्थान है उसे सिद्धु, सिद्धु उद्गम स्थान को कहते हैं। जो चरण है वो गंगा जी के उद्गम स्थान है, उनको देख करके सुख की सीमा नहीं रहती। क्या अभिप्राय है इसका? साक्षात ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, ये भाव आ जाता है। आकाश से गंगा का अवतरण भगवान के श्री चरण कमलों से, वो पतित पावनी गंगा को देख करके आनंद सागर में डूब जाता हूं। कैसे? इसमें यमुना जी प्रयागराज में आके मिली हैं, श्री राधा कृष्ण युगल किशोर का जो धाम है उसकी रज को स्पर्श करके आ रही है यमुना जी दिव्य प्रेम लेकर के। और गंगा जी श्रीमन महाप्रभु जी के स्पर्श से पावनी होकर के बह रही है। जब मैं गंगा जी को देखता हूं इसमें यमुना जी का दिव्य स्वरूप, राधा कृष्ण के भाव को लिए हुए, गौर सुंदर के स्वरूप में उनका स्पर्श प्राप्त किए हुए, जो समुद्र आनंद का है वो हिलोरे मारने लगता है। इसीलिए गंगा जी को देख करके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, तुलसी जी को देख करके आत्मा शांत हो जाती है। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जाहा, भक्ति विनोद भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जाहा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे स्वीकार करे शुद्ध भक्त तरणो भजन चरण रे भजन शुद्ध भक्त चरण रे भजन एकादशी तिथि एक ऐसी तिथि है जिस तिथि के बारे में कहते हैं माधव तिथि, ये भगवान की तिथि।
ये कोई चंद्र का, मंगल का, बुध का, ग्रहों का नहीं है, ये देवी देवताओं की तिथि नहीं है। शिवरात्रि जिस प्रकार से कोई दिन को देख के नहीं आते, जन्माष्टमी कोई दिन को देख के नहीं आते, ये तिथि है, ये अतिथि की तरह किसी भी दिन में चले जाते हैं, कभी मंगलवार, कभी सोमवार, कभी बुधवार, कभी शाम के समय शुरू होती है, कभी सुबह के समय शुरू होती है राहु और केतु। तो एकादशी तिथि ऐसी जिसमें नव ग्रह शांत हो जाते हैं अगर कोई ढंग से इसका पालन कर ले एक वर्ष तक। क्यों बोला ये मैंने, क्योंकि आप लोग विचलित हो जाते हो जब कोई मुसीबत आती है तो विचलित हो जाते। मजाक मजाक में मैंने सुबह बोला, मैंने कहा शनि कुछ बिगाड़े तो उसको बोलना भाई मामा, कैसे मामा, यमुना जी मैया, मैया के भैया मामा, मामा जी एक कृपा करना जी, जो माला मैं 16 कर रहा हूँ ये तो भगवान और गुरु जी ने बोला है उनके लिए, अगली मालाएं मैं आपको संतुष्ट करने के लिए करता, हमें छोड़ दो। मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, जितने देवी देवता हैं उनकी मजबूरी है कि उनके मंत्र को छोड़ करके, उनके इष्ट के मंत्र को जब उन्हें आप सुना देंगे वो ऋणी हो जाएंगे। ये विधि पता ही नहीं किसी को, मालूम ही नहीं है, ऋणी हो जाएंगे। मेरे पे राहु बड़ा भयंकर चल रहा था 2016 से, बहुत उत्पात। मैंने कहा भैया कुछ उपाय कर ले, लेकिन अंतरात्मा से एक ही आवाज आई, जितने उपाय हैं वो उनको संतुष्ट करने के लिए हैं। अगर कृष्ण नाम उनको दे दिया जाए, सुना दिया जाए तो ऋणी हो जाते हैं। सोचिए, भगवान भक्त से संतुष्ट होते हैं लेकिन गोपियों के आगे ऋणी हो जाते हैं। तो इसलिए आज एकादशी, इसके लिए बोला माधव तिथि यतने पालन कर। माधव तिथि भक्ति की जननी है, इसको यत्न के साथ बड़े संभाल के इसको पालन कीजिए। कृष्ण वसति, इसमें कृष्ण का वास है, वसति मतलब वास, वो थोड़ी बस्ती नहीं वो भी कहा जा सकता है, लेकिन कृष्ण वसति, कृष्ण विराजमान है वसति। तो इसलिए आइए महामंत्र को आगे लेकर चलें।